1916 में आज के दिन भारतीय अभिनेत्री और गायिका एमएस सुब्बू लक्ष्मी का जन्म हुआ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा वे पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त हुआ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी बताया तो वहीं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहा था। 1932 में आज के दिन मच्छरों से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ। उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लास्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1963 में आज के दिन फेडरेशन ऑफ मलय में उत्तरी बोर्नियो, सारावाक और सिंगापुर मिलाकर नया देश बनाया गया। मलय में सिंगापुर का सी मिलाकर मलेशिया किया गया, हालांकि 1965 में मलेशिया अलग हो गया। 1975 में आज के दिन पापुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से मुक्ति मिली। 1975 में आज के दिन केप वर्डे, मोजाम्बिक, साउटो में और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। 1978 में आज के दिन ईरान में आए भूकंप में 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1986 में आज के दिन सोने की खदान में फंस जाने के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2008 में आज के दिन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया।